हाय फ्रेंड, आई एम सनी कपूर और इस वक्त आप देख रहे हैं बॉलीवुड छलक। बॉलीवुड छलक सबसे अलग। दोस्तों, अक्सर आम इंसान को ऐसा लगता है कि अगर किसी हीरो को एक फिल्म मिल जाए, एक फिल्म हिट हो जाए और वो स्टार बन जाए तो उसका संघर्ष खत्म हो जाता है, फिर तो वो आराम की जिंदगी जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। स्टार बनने के बाद भी इंसान को संघर्ष करते रहना पड़ता है। कामयाबी और संघर्ष ये हमेशा साथ चलती है एक सक्सेस इंसान के साथ, लगता है लोगों को देखने में। ये तो कामयाबी से क्या प्रॉब्लम, लेकिन वो कामयाब इसलिए है क्योंकि वो उसके साथ लगातार संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसी से ताल्लुक रखता हुआ मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बॉलीवुड का, जितेंद्र साहब का। जितेंद्र साहब एक हिट हीरो थे बॉलीवुड के, और उसी समय हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में एंट्री करी। इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई सपनों के सौदागर, हीरो थे राज कपूर साहब। पहली फिल्म के साथ उन्हें ड्रीम गर्ल का टैग मिल गया, एक उपनाम मिल गया ड्रीम गर्ल। सभी ने कहा कि बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल आ गई है। और हेमा मालिनी थी भी बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड थी, तो बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हेमा मालिनी के साथ काम करना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर हेमा मालिनी इस फिल्म में आ जाए तो ये फिल्म तो हिट हो जाएगी। तो जो लोग हेमा मालिनी के साथ काम करना चाह रहे थे उसमें से एक थे जितेंद्र साहब। जितेंद्र साहब भी चाहते थे कि वो हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म करें। तब उन्होंने अपने एक प्रोड्यूसर है मुखर्जी साहब, उनसे कहा कि हेमा मालिनी को इस फिल्म में ले लीजिए। वो फिल्म का नाम है अभिनेत्री। मुखर्जी साहब जितेंद्र साहब को तो साइन कर चुके थे। अब जितेंद्र साहब ने कहा कि इसमें अगर हेमा मालिनी को ले लें तो मजा आ जाएगा। मुखर्जी साहब को भी बात जम गई, क्योंकि मुखर्जी साहब ने भी हेमा मालिनी के बारे में सुना हुआ था। उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं तो हेमा मालिनी को जानता नहीं, तुम अगर हेमा मालिनी को ले आओ, बातचीत जमती है, तो तुम्हारे साथ अभिनेत्री फिल्म में हम हेमा मालिनी को ले लेंगे। अब जितेंद्र साहब ने स्टार होते हुए भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, हेमा मालिनी से कांटेक्ट किया। उस समय हेमा मालिनी मुंबई आकर एक होटल में ठहरती थी। उस समय हेमा मालिनी ने मुंबई में घर नहीं खरीदा था। तो जितेंद्र साहब उस होटल में जा पहुंचे हेमा मालिनी से मिलने। जितेंद्र को देख के हेमा मालिनी बहुत खुश हुई, क्योंकि हेमा मालिनी जितेंद्र को जानती थी कि बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। जितेंद्र की उस समय तक काफी फिल्में हिट हो चुकी थी। तो जितेंद्र साहब ने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मेरे एक प्रोड्यूसर है मुखर्जी साहब, आप चलिए उनसे मिल लीजिए तो मैं आपको वो फिल्म साइन करा देता हूँ। हेमा मालिनी ने बोला, ओके, मैं खुद आपके साथ काम करना चाहती हूँ। और उसके बाद जितेंद्र साहब मुखर्जी साहब के पास गए, उनका टाइम लिया, हेमा मालिनी का टाइम लिया। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन पे कॉन्टैक्ट करके जैसे तैसे उन्होंने दोनों का टाइम एडजस्ट किया। तो जितेंद्र साहब जिस दिन टाइम फिक्स था उस दिन घर से निकले, हेमा मालिनी के होटल पहुंचे, हेमा मालिनी को अपनी कार में बिठाया और प्रोड्यूसर से मिलवाने पहुंचे उनके घर। मुखर्जी साहब से बातचीत हुई, बात जम गई, और मुखर्जी साहब ने जितेंद्र के अपोजिट अभिनेत्री फिल्म में हेमा मालिनी को साइन कर लिया। जितेंद्र साहब बहुत खुश थे कि वो हेमा मालिनी के साथ काम कर रहे हैं, और हेमा मालिनी बहुत खुश थी कि वो जितेंद्र के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों का सपना पूरा नहीं हो पाया इस फिल्म में काम करने का, क्योंकि मुखर्जी साहब ने जो शेड्यूल बनाया अभिनेत्री फिल्म का, उसमें जितेंद्र की डेट नहीं मिली। हेमा मालिनी तो फ्री थी, उनकी डेट तो मिल गई थी, लेकिन जितेंद्र की जो डेट थी वो एक फिल्म और बन रही थी, एलवी प्रसाद जी की जीने की राह, वहां पर दी गई थी। तो मुखर्जी साहब ने कहा, भाई तुम डेट अगर नहीं दे पाओगे तो मेरा तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, मैंने तो पैसा ब्याज पे लिया हुआ है, मैं फंस जाऊंगा। तो जितेंद्र साहब ने एलवी प्रसाद जी से कहा कि सर, मुझे हेमा मालिनी के साथ एक फिल्म करनी है, मैंने साइन करवा दिया है, वहाँ पर सब प्रपोजल भी मैंने ही बनाया है, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें या डेट आगे पीछे कर लें तो मैं वो फिल्म भी कर लूँ, आपकी फिल्म भी कर लूँ। तो एलवी प्रसाद जी ने बोला कि भाई मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है, मैं भी फिल्म सही समय पर ही शुरू करना चाहूँगा, सही समय पर ही रिलीज़ करना चाहूँगा, तो तुम या तो मेरी फिल्म कर लो या उनकी कर लो। तो जितेंद्र साहब ने बोला, सर आप बताइए रास्ता क्या है। एलवी प्रसाद जी ने कहा कि एक काम करो, तुम वो फिल्म कर दो, मेरी फिल्म छोड़ दो। तो जितेंद्र ने जीने की राह फिल्म छोड़ दी और जा पहुंचे सुबोध जी के पास कि मैंने वो फिल्म छोड़ दी है, अब सारी डेट आपकी है, आप इस फिल्म की अभिनेत्री की शूटिंग हेमा मालिनी के साथ और मेरे साथ शुरू कर दीजिए। मुखर्जी साहब खामोश रहे। लेकिन कुछ ही दिन बाद, दो तीन दिन बाद, चार दिन बाद, हफ्ते बाद, स्क्रीन पेपर आता था एक बहुत बड़ा पहले, जो हमारी बॉलीवुड की खबरों से भरा रहता था। वहां पर मुखर्जी साहब ने एक पेज डाला जिसमें लिखा हुआ था, शशि कपूर एंड हेमा मालिनी इन अभिनेत्री। ये न्यूज देखते ही जितेंद्र साहब के होश उड़ गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि यार, इस अभिनेत्री फिल्म के लिए मैंने एलवी प्रसाद की पिक्चर छोड़ दी जीने की राह, हेमा मालिनी को प्रोड्यूसर से मिलवाया, सब कुछ मैंने किया और मैं फिल्म में नहीं,
मुझे बताया भी नहीं गया, शशि कपूर को साइन कर दिया गया, और दूसरी तरफ जीने की राह भी मेरे हाथ से गई, इससे भी निकाल दिया गया मुझे। तब जितेंद्र साहब तुरंत एलवी प्रसाद के पास पहुंचे कि सर गलती हो गई, वो पिक्चर में शशि कपूर आ गए हैं, मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया है, तो आपने अगर किसी हीरो को नहीं साइन किया तो जीने की राह मैं ही करना चाहूँगा। एलवी प्रसाद ने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने अभी किसी को साइन नहीं किया, जीने की राह में तुम ही हीरो रहोगे। और फिर उसके बाद ये दोनों फिल्म एक साथ बनी, एक साथ रिलीज हुई। अभिनेत्री में शशि कपूर आ गए थे हेमा मालिनी के साथ, और इस तरफ जीने की राह में जितेंद्र साहब थे, दोनों फिल्में रिलीज हुई। लेकिन जितेंद्र साहब के दिमाग में ये बात बैठ गई कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, प्रोड्यूसर को हेमा मालिनी से मिलाया, खुद अपनी कार में बिठा के लाया, और इस फिल्म से मुझे ही निकाल दिया। लेकिन जितेंद्र साहब बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, इसलिए उन्होंने किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की, मुस्कुरा कर रहेगा बस। तो दोस्तों ऐसा हुआ, एक स्टार के साथ स्टार होते हुए भी जितेंद्र साहब को उस फिल्म से निकाल दिया गया, जबकि सारा सेटअप जितेंद्र जी ने ही बनाया था। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा, ऐसे बहुत सारे और किस्से, बहुत सारी और कहानी हमारे पास मौजूद है। अगर आप उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए